एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि वुड दैट क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं वुड दैट, ओ दैट, इफ ऑनली, आई विश और आई विश्ड क्या है। यानी आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को बारीकी से समझें। वुड दैट, ओह दैट, इफ ऑनली और आई विश का मतलब होता है काश। यानी इन सभी सेंटेंसेस से काल्पनिक बातें की जाती हैं, यानी हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस बोली जाती हैं। यानी वो सेंटेंसेस जहां पर कोई इंसान कल्पना करता है कि काश ऐसा होता। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर वो कल्पना प्रेजेंट टेंस में है तो ऐसे सेंटेंस के बोलने का रूल अलग है। अगर वो पास्ट टेंस में है तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने का तरीका अलग है। आइए एक एक करके एग्जांपल्स में समझें। काल्पनिक सेंटेंसेस में जब हम कोई चीज रखने की बात करते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि कोई चीज मेरे पास होता, तो इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो आपका स्ट्रक्चर होगा वुड दैट, उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन। लेकिन अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप पास्ट में बोलना चाहें, यानी अगर आपके कहने का मतलब ये हो कि काश यह गुजरे हुए टाइम में मेरे पास होता, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप कहेंगे वुड दैट, फिर आप कहेंगे सब्जेक्ट हैड, फिर आप बोलेंगे एक नाउन। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। अगर आपको कहना हो काश मेरे पास एक कार होता, यह एक काल्पनिक सेंटेंस है, यानी हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का सेंस प्रेजेंट से है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई हैड अ कार। यानी आप आई विश के जगह पर वुड दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं वुड दैट आई हैड अ कार। यहाँ आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले मैंने बोला वुड दैट, उसके बाद मैंने बोला सब्जेक्ट जो है आई, फिर मैंने बोला हैड, उसके बाद मैंने बोला एक नाउन जो था कार। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो, यानी अगर आपको कहना हो काश मेरे पास तब एक कार होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वुड दैट आई हैड अ कार देन। यानी काश तब मेरे पास एक कार होता। यह मैंने अपने सेंटेंस में बोला तब, और इस वर्ड से पता चला कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कहना हो काश मेरे पास एक आईफोन होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई हैड एन आईफोन। यह मैंने अपने सेंटेंस में इस्तेमाल किया हैड, क्योंकि ये एक काल्पनिक सेंटेंस है जो प्रेजेंट में है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो, जैसे काश मेरे पास उन दिनों एक आईफोन होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई हैड एन आईफोन दोज डेज। यानी काश उन दिनों मेरे पास एक आईफोन होता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला कंसेप्ट समझा कि काश वाले सेंटेंसेस जो कि काल्पनिक सेंटेंसेस होते हैं, यानी हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस की शुरुआत होती है वुड दैट या ओ दैट, इफ ऑनली या आई विश। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप लिखेंगे सब्जेक्ट हैड नाउन। और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है, यानी गुजरा हुआ है, तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन। यानी पास्ट वाले सेंटेंस में आप डबल हैड लिखेंगे। कई बार काल्पनिक सेंटेंसेस में हम कोई चीज रखने की बात नहीं करते हैं, बल्कि कुछ होने की बात करते हैं। जैसे काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक टीचर होता, काश मैं एक इंजीनियर होता। इस काल्पनिक सेंटेंस में मैंने रखने की बात नहीं किया, बल्कि कोई चीज होने की बात किया। तो इस तरह के हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, यानी काल्पनिक सेंटेंसेस, जहां आप कुछ होने की बात करते हैं, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी आपका स्ट्रक्चर होगा वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। और अगर इस तरह का सेंटेंसेस पास्ट में हो तो आप वर्ब के जगह पर हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर होगा वुड दैट सब्जेक्ट हैड बीन प्लस नाउन। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो काश मैं एक डॉक्टर होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई वर अ डॉक्टर। ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, यानी मैं प्रेजेंट की कल्पना कर रहा हूँ कि काश प्रेजेंट टाइम में मैं एक डॉक्टर होता। लेकिन मान लीजिए अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो, जैसे काश मैं 2005 में एक प्रिंसिपल होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वुड दैट आई हैड बीन अ प्रिंसिपल इन 2005।
यानी काश मैं 2005 में एक प्रिंसिपल होता। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला 2005, जिससे यह पता चला कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2005 गुजरी हुई बात है। अगर आपको कहना हो काश मैं एक क्रिकेटर होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई वर अ क्रिकेटर। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस बोला वर, क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट का है। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना चाहें, जैसे काश मैं तब एक क्रिकेटर होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वुड दैट आई हैड बीन अ क्रिकेटर देन, यानी काश उन दिनों मैं एक क्रिकेटर होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सीखा कि अगर आप कोई ऐसा कल्पना कर रहे हैं जहाँ आप कुछ होने की बात कर रहे हैं और वो कल्पना प्रेजेंट का है, तो आप वर का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वो कल्पना पास्ट का है, तो आप वर की जगह पर हैड बीन का इस्तेमाल करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। आइए अब देखिए कुछ ऐसे काल्पनिक सेंटेंसेस, यानी कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस जहाँ किसी काम की करने की बात की जाती है। यानी यहाँ मेरे सेंटेंस में नाउन नहीं बल्कि कोई वर्ब होता है। जैसे काश मैं वह नौकरी पा लेता, काश मैं जल्दी स्टेशन पहुँच जाता, या काश मैं वह कार खरीद लिया होता, काश मैं उसे बुला लिया होता, काश मैं वहाँ चला गया होता। तो आइए देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कोई कल्पना करते हैं और किसी काम की होने की बात करते हैं, अगर वो काम फ्यूचर का है, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी आप कहेंगे वुड दैट, या आई विश, या ओ दैट, या फिर आप बोल सकते हैं इफ ऑनली। उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी आप वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे अगर आपके सेंटेंस का सेंस फ्यूचर का हो तो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो काश मैं पास हो जाता, यानी यहाँ मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि जो मैंने एग्जाम दिया है, काश उस एग्जाम में मैं पास हो जाता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई वुड पास। काश मैं वह नौकरी पा जाता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई वुड गेट दैट जॉब, यानी काश मैं वह जॉब पा जाता। अगर आपको कहना हो काश आज बारिश हो जाती, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वुड दैट इट वुड रेन टुडे, यानी काश आज बारिश हो जाती। ये सभी काल्पनिक सेंटेंसेज हैं जिनका सेंस किसी काम का फ्यूचर में होना दिखाया गया। आइए अब देखें इस तरह के सेंटेंसेज को आप पास्ट में कैसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो काश मैं पास हो गया होता, यानी मैं पास नहीं हुआ और ये काम गुजर गया, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप कहेंगे वुड दैट, या आई विश, या इफ ओनली, ओ दैट। उसके बाद आप कहेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे काश मैं पास हो गया होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई हैड पास्ड। काश मैं वह घर खरीद लिया होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वुड दैट आई हैड बॉट दैट हाउस, यानी काश मैं वह घर खरीद लिया होता। कई बार लर्नर प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी वो दोनों में फर्क नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो सेंटेंस बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि दोनों में क्या फर्क है। जैसा कि पहला सेंटेंस है काश मैं वह घर खरीद लेता, इस सेंटेंस से क्या जाहिर हुआ कि कोई घर है जो बिकी नहीं है और मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं उसको खरीद लेता। लेकिन अगर मैं कहूँ काश मैं वह घर खरीद लिया होता, तो इस सेंटेंस का सेंस है कि वह घर बिक चुकी है और मैंने उसे नहीं खरीदा, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि काश मैंने ऐसा किया होता। तो इन दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा, यानी पहला सेंटेंस जो फ्यूचर में है उसे ट्रांसलेट करने के लिए आप लिखेंगे सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वहीं दूसरा सेंटेंस जो पास्ट में है उसे ट्रांसलेट करने के लिए आप लिखेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। आइए फ्रेंड्स अब सीखे लास्ट कंसेप्ट, जो है आई विश्ड आई हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कई बार आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ आप कहते हैं किसी काम को करने की आपकी ख्वाहिश थी, या कोई चीज पाने की आपको ख्वाहिश थी, कोई चीज बनने की आपकी आरजू या तमन्ना थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां कहते हैं ख्वाहिश थी, आरजू थी, तमन्ना थी, को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे इंग्लिश सीखना मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी, मेरी आरजू थी, मेरी चाहत थी, या मेरी इच्छा थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश्ड आई हैड लर्न्ड इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखना मेरी ख्वाहिश आरजू तमन्ना
थी। अगर आपको कहना हो आईफोन खरीदना मेरी ख्वाहिश थी, मेरी आरजू थी, मेरी चाहत थी, मेरी तमन्ना थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश्ड आई हैड बॉट एन आईफोन, यानी आईफोन खरीदना मेरी ख्वाहिश थी, मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सभी टॉपिक्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।